हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स हम आपको कैरीकॉम टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कैरीकॉम टैबलेट क्या काम में आती, किस कंडीशन में दी जाती, इसकी एमआरपी क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, क्या डोज देनी चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, यह सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेगी। मैं नरेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमो फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कैरीकॉम टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर कंपनी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह कोमेड केमिकल लिमिटेड कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। एमआरपी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें 434.75 रुपए की पर 15 टैबलेट आपको आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर जहां पे एलोपैथिक मेडिसिन मिलती है वहां पे मिल जाएगी। कंपोजिशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें केरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट 1100 mg पर टैबलेट में मिला हुआ है। केरिका पपाया फ्रेंड्स पपीते के पत्ते को पीस के तैयार किया जाता है, जिसे केरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। इसकी ओरिजिनल स्ट्रिप है वह हमने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। इस तरह की ओरिजिनल स्ट्रिप आती है जो आप देख के खरीदे। यह कैरीकॉम टैबलेट किस कंडीशन में पेशेंट को दी जाती है, यानी कब इसे लिया जाता है, कब डॉक्टर इसे लिखते हैं, तो फ्रेंड्स इसे इट इज आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन यूज इन, यह आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बनी हुई टैबलेट है जो डेंगू मलेरिया कैंसर थेरेपी के पेशेंट एंड फॉर इन्फेक्शन इन इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट, जिन्हें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है उन पेशेंट को, डेंगू वाले पेशेंट को, मलेरिया वाले पेशेंट को और कैंसर थेरेपी जिन पेशेंट के चलती है उन्हें कैरीकॉम टैबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है। और इसी के साथ में चिकनगुनिया अगर किसी के हो जाता है तो उस कंडीशन में भी कैरीकॉम टैबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है, डॉक्टर द्वारा पेशेंट को लिखी जाती है। और साथ में फ्रेंड्स यह टैबलेट क्या करती है, यह इंक्रीज करती है प्लेटलेट्स को, जिन्हें भी प्लेटलेट्स कम हो गई हो, प्लेटलेट डाउन हो गई हो, चाहे वह किसी प्रकार की बीमारी हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो या फिर कैंसर थेरेपी हो, किसी प्रकार की बीमारी में अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स डाउन हो गई हो, उन्हें इंक्रीज करने के लिए डॉक्टर द्वारा कैरीकॉम टैबलेट लिखी जाती है। अब बात करें डोज की, इसके टैबलेट डॉक्टर द्वारा क्या डोज डिसाइड की जाती है, तो फ्रेंड्स वह पेशेंट की कंडीशन के आधार पर भी डिसाइड की जाती है। ज्यादातर यह टैबलेट 2 टैबलेट पर डे आफ्टर फूड, 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। और अगर कोई पेशेंट छोटा हो या फिर बॉडी वेट ज्यादा हो तो पेशेंट की बॉडी वेट और एज के हिसाब से कम या ज्यादा भी कैरीकॉम टैबलेट की डोज की जा सकती है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस टैबलेट का नो साइड इफेक्ट, किसी प्रकार से साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यह आयुर्वेदिक फॉर्मूले से बनी हुई टैबलेट है। कोई भी टैबलेट, किसी प्रकार की टैबलेट अगर आयुर्वेदिक फॉर्मूले से बनी हुई है तो वह किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। और फ्रेंड्स इसका अगर कोई महिला प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो या फिर किसी के अगर किडनी लीवर जैसी प्रॉब्लम हो तो वह भी पेशेंट इस टैबलेट को इजी वे में ले सकते हैं, उन्हें भी यह किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं करती है। आशा करते हैं कि कैरीकॉम टैबलेट के बारे में आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे जो नंबर है दिया हुआ है उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। टैबलेट को परचेज करने के लिए भी आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पे कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं या फिर गूगल जैसी साइट से भी इस टैबलेट को आप मंगवा सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत।